Hello friends, this is Akshit and you are watching Akshit Art, and I'm again with another video. So let's get started. Stay hard with Akshit Art. So guys, ये वीडियो में मैंने पूरी फेस को पूरे वीडियो को टाइम लैप्स करके दिखाया है. सो मैं हल्के आपको टिप्स दे देता हूँ कि मैंने कैसे ड्रॉ करी है. आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं. सबसे पहले आईज में डार्क पेंसिल का यूज़ किया है, एंड आपको डार्क पेंसिल का यूज़ करके आईज़ को बनाना है. एंड आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज मैंने कैसे ड्रॉ करी है. आपको कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नए हो मेरे चैनल पे तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब. तो गाइज़, आपको दिख रही होगी कि मैं कैसे सेटिंग कर रहा हूँ. मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ. 0.5 लिट HB लिट है, और आपको एकदम हल्की सी सेट करनी है पूरे फेस पे. सो करते हैं, एंड हम देख सकते हैं आईज़ किस तरह से हो चुके हैं. एंड नोज़ पे भी मैं थोड़ी बहुत सेट कर देता हूँ. अब बारी आई लिप की. सो लिप में भी मैं डार्क पेंसिल के यूज़ कर रहा हूँ. आप देख सकते हैं. सो मैं अभी अंदर में 4B पेंसिल आर्ट लाइन की यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैं उसको ब्लेंड कर दिया. फिर गाइस, मैंने बहुत सारे बिगिनर्स को देखा है जिन्हें फेस शेप में दिक्कत होती है. आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टाइप से कुछ वे लोग करते हैं. तो उनके लिए मैंने आई बटन पे वीडियो रख दी है, आप देख सकते हैं. और डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने वो वीडियो दे दी है. सो आप आउटलाइन की वीडियो देख सकते हैं. और ये रही मेरी लिप, लगभग हो चुकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट. और आप देख सकते हैं मैं किस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ. मैं अधिकतर मैकेनिकल पेंसिल के ही यूज़ कर रहा हूँ, HB लिड का, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है और इससे सेड भी अच्छी होती है नॉर्मल पेंसिल से. वो पता नहीं क्यों, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. सो एंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. मैं इसकी नोज़ में थोड़ा डार्क ऐड कर देता हूँ. आपको और एक मैं टिप देना चाहता हूँ कि जो आउटलाइंस होती है, आपको पेंसिल को ज़्यादा वहाँ प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है. आप जितना हो सके आपको शेडिंग करके ही वो लाइंस को ड्रॉ करनी है. जैसे आप मेरे नोज़ में देख सकते हैं, मैंने मतलब शेडिंग ही करा है. आप उसको देख लीजिए कि मैंने कहीं पर भी उसको प्रेशर का अप्लाई नहीं किया. मैंने सेडिंग करके ही नोज़ का स्ट्रक्चर मैंने दिया है, आप देख सकते हैं. सो इसी तरह आपको लिप भी करना है. आपको लिप का जो आउटलाइन है आपको वो डार्क नहीं करना है. आपको प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको शेडिंग करके उसको आपको मिलाना पड़ेगा. आपको वो बस आपको अपने लिप को बस मिलाना है अपने स्किन के साथ, ना कि मतलब प्रेशर अप्लाई नहीं करना है आपको. ओके, सो आप चलिए आगे देखते हैं. और गाइस, अभी मैं हेयर्स ड्रॉ करने जा रहा हूँ. सो आपको हेयर वाली वीडियो अगर देखनी है तो आई बटन पे है. सो मैंने इसको अपलोड करी है कल ही. सो गाइस, देख हाउ टू ड्रॉ हेयर आप देख सकते हैं. मैंने वहाँ पर इसको डिटेल में बताया है, डिटेल में वर्क करा है. सो वहाँ से आप लोग देख लीजिए.
सो ये हेयर ऑलमोस्ट कल कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं इसके गर्दन को मैं बनाने जा रहा हूँ। सो मैंने सारा HB पेंसिल से ही करा है, कोई डार्क वैल्यूज एड नहीं करी है मैंने। सो अभी मैं इसकी ओढ़नी को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। और इसकी मैं आउटलाइन को अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ एंड हल्की हल्की शेडिंग एंड इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ जहाँ जहाँ डार्कनेस है। सो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ड्रॉ करा है। आपको कोई कोई सवाल हो आप तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस ये लगभग होने जा रही है, ये इस तरह से हो रही है। और गाइज आप लोग ब्लेंडिंग टूल यूज़ करा करिए, आपको फ़र्क नज़र आएगा, आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप पेज भी अच्छा यूज़ करिए, आपको फ़र्क नज़र आएगा सच्ची में। आप कुछ होता है ना कि आप 100% आप अपना दे देते हैं लेकिन फिर भी वो रियलिस्टिक नहीं लगती। सो गाइज आपको करना है, आपको अच्छी अच्छी पेंसिल्स लेनी है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ करें, आप कैमलिन की ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करें एंड अगर बिगिनर हो तो ये यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंसिल्स एंड ड्राइंग बुक्स आती है, सो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे वर्क रियलिस्टिक होती है सही में, मतलब फ़र्क दिखता है। मुझे लगता था कि मतलब मेरे से नहीं होगा रियलिस्टिक, लेकिन मुझे अभी लगने लगा है कि नहीं ये हो सकता है। सो गाइस रियलिस्टिक वर्क में ऐसा कुछ है नहीं, आपका आप अपना 80% आप दीजिए, 20% आपका टूल का काम हो। आपको 80% ही करना है, बाकी 20% तो आपका टूल्स एंड जो कॉपीज ब्लेंडिंग टूल, बाकी ये सब आपका 20% कर लेते हैं। ये सच्चाई है सर जी, ये सच्चाई है। सो गाइस अभी मैं इनकी ड्रेस को कंप्लीट करता हूँ, आप देख सकते हैं। ड्रेस में कुछ डिज़ाइंस हैं उन्हें मैं ऐड कर रहा हूँ डार्क पेंसिल से। सो एंड हल्की हल्की शेड कर रहा हूँ HB से और उसको मैं ब्लेंड कर दिया ब्रश से। सो गाइस ये कुछ इस तरह से हो रही है, आप देख सकते हैं सर। सो गाइस समझे, फ़र्क दिखता है। आपको ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करना है। मैं पहले यूज़ नहीं करता था तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। अभी जब से मैं ये टूल यूज़ कर रहा, ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ कर रहा तो फ़र्क साफ दिख रहा है। गाइस आप ब्लेंडिंग टूल यूज़ करें, स्पेशल रिकमेंडेड बाय अक्षित आर्ट, माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन 200।
प्री वीडियो हो नहीं पाए क्योंकि पता नहीं मतलब मेरा स्पेस भर गया था और वीडियो पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग हो ही रही थी, मुझे लगा कि हो गया। सो आप आउटपुट देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है। एंड गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है, कहाँ जाओगे बिना सब्सक्राइब करें। हाँ चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।